फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बनाने जा रहे हैं खमन ढोकला। तो चलिए हम अपनी रेसिपी को शुरू करते हैं। तो इसके लिए हमने लिया है 1 कप बेसन। हम इसको इसमें ऐड कर देंगे हमारे पतीले में। इसके लिए हम इसको अच्छी तरीके से कप से निकाल के आपको ऐड करना है। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें हमने लिया है 1 कप तकरीबन बेसन लिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे हमारा हल्दी और हींग, और फिर हम इसमें ऐड करेंगे हमारा पानी। तो ये देखिए, इसमें हम पानी ऐड कर देते हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे ये हल्दी और जो हींग हमने लिया था उसे ऐड कर देंगे, और इसे अच्छे से मिक्स करना है। धीरे धीरे आपने इस तरह से इसमें पानी ऐड करते जाना है। और इसमें हम ऐड करेंगे हमारा 1 चम्मच चीनी और थोड़ा सा नमक। नमक आप अपने स्वाद अनुसार डाल सकते हैं, चाहे आपको जितना भी डालना हो। आधा चम्मच आप डालें तो ही ठीक है। अब हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे ताकि कोई लम्स ना रह जाए। अब इसमें इस वक्त आपको देखना है कि पानी अगर ज़रूरत पड़े तो आप ऐड करें, अगर ना पड़े तो ना करें। तकरीबन 1 कप बेसन के लिए अभी तक हमने आधा कप पानी जो है वो यूज़ किया है। और देखिए हमारा बेसन कितने अच्छे तरीके से हमने फेंट लिया है। अभी इसको हम बिल्कुल अच्छे तरीके से फेंट लेंगे ताकि ये थोड़ा फूल जाए। मीनवाइल हमने यहाँ पे अपनी कढ़ाई में स्टैंड रख दिया है और अपनी कढ़ाई को तैयार कर लिया है ताकि हम अपना जब भी ढोकला इसमें रखें तो वो अच्छे से बन जाए। और इधर हमारा जो बेसन है वो अच्छे से घुल के तैयार हो चुका है। इसमें अभी हम थोड़ा पानी और ऐड करेंगे, बिल्कुल थोड़ा सा, ताकि ये कंसिस्टेंसी जो है इसकी ना तो बिल्कुल पतली रहे और ना ही ज़्यादा गाढ़ी हो जाए। ये देखिए ऐसी कंसिस्टेंसी आपने रखनी है, फ्लोई सी। इसको अच्छे से आपने फेंटना है। किसी भी चीज़ को बनाने के लिए बेसन को फेंटना बहुत ज़रूरी होता है दोस्तों। दोस्तों ये हमने ले लिया है हमारा पैन जिसमें हम ढोकला तैयार करेंगे हमारा। उसको हमें बिल्कुल अच्छे तरीके से ग्रीस कर लेना है, कटोरे के चारों साइड्स में, और सतह पे हमने अच्छे तरीके से घी जो है वो लगा देना है ताकि हमारा ढोकला जो है वो बिल्कुल भी चिपके नहीं। इस तरह से फ्रेंड्स आपने बिल्कुल कुछ इस तरह से आपने कर लेना है। ये देखिए, तो देखिए फ्रेंड्स इस तरह से आपने बिल्कुल अच्छे से इसको ग्रीस करते हुए तैयार कर लेना है अपना पैन। एंड आई विल सजेस्ट यू आफ्टर प्रिपेयरिंग योर पैन यू गो टू द नेक्स्ट स्टेप विच इज टू ऐड इनो इनटू इट। ये हमने जो है इनो लिया है, आप बाज़ार से ले सकते हैं। इसमें हम थोड़ा इनो ऐड करेंगे, ये देखिए, ताकि ये अच्छी तरीके से फूल जाए। अब हम इस इनो को अच्छे तरीके से इसमें फेंट लेंगे, और ये जो हमने पैन तैयार किया था इसमें हम इस मिक्सचर को ऐड कर देंगे। इस तरह से आपने अच्छे से इसको ऐड कर लेना है। ये देखिए सारे मिक्सचर को इसमें निकाल के बिल्कुल अच्छे तरीके से ऐड कर लेना है। ये देखिए, और इसको अच्छे तरीके से स्टर कर लेना है। एंड देन वी विल प्लेस आवर पैन इनटू दिस, जो हमारा कढ़ाई हमने तैयार किया था इसमें हम अपने इसको प्लेस कर देंगे और हम इसे कवर कर देंगे फ्रेंड्स। एंड हमने जो आँच है वो बिल्कुल मीडियम पे रखना है। एंड वी विल कीप इट फॉर एटलीस्ट 30 मिनट्स एंड देन आवर ढोकला इज रेडी। दोस्तों अब हम इसके छोके को तैयार करेंगे। इसके लिए हमारे जो कढ़ाई है वो बिल्कुल अच्छे तरीके से हमने गर्म कर लिया है।
इसमें हम ऐड करेंगे थोड़ा सा हमारा घी। यहाँ पे आप चाहे तो तेल से भी तड़का लगा सकते हैं, बट मैंने घी से तड़का लगाना ज़्यादा मुनासिब समझा है। और हम इसमें ऐड करेंगे हमारा सरसों, जिसको आप राई के दाने भी बोलते हैं कई जगह इसको हम सरसों भी बोलते हैं। जब आपका ये सरसों इस तरह से कड़कना शुरू हो जाए, इसका मतलब ये बिल्कुल अच्छे तरीके से पक गया है। ये देखिए, इसमें हम ऐड कर देंगे ये हरी मिर्च, इसको भी हमने अच्छे तरीके से पका लेना है। एंड देन वी विल ऐड दिस करी पत्ते। ये देखिए, करी पत्ते को अच्छे से ऐड करके इसे अच्छे से सीखने तक वेट करना है। जब ये हमारा पूरा रेसिपी तैयार हो जाएगा, जब ये हमारा पूरा पक जाएगा दोस्तों, फिर हम इसमें ऐड करेंगे तकरीबन एक ग्लास जितना पानी। तो देखिए, हमने पानी ऐड कर दिया है इसमें। अब जो ये पानी है, इसके उबलने का हम वेट करेंगे। और चूंकि हमें इसका टेस्ट थोड़ा खट्टा मीठा रखना है, तो इसके लिए हम इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून शुगर। आप चाहे तो थोड़ा और ऐड कर सकते हैं अगर आपको ज़्यादा मिठास चाहिए तो। और फिर हम इसमें ऐड करेंगे सॉल्ट, बिल्कुल थोड़ा सा। एंड देन लेमन, यू कैन स्क्वीज इट लाइक दिस एंड यू विल हैव टू वेट फॉर अ गुड बॉइल। अब जब ये अच्छे तरीके से बॉयल हो जाएगा, तो जो हमारा तड़का है वो अच्छे तरीके से रेडी हो चुका है। ये देखिए, एक अच्छी सी खुशबू आ चुकी है इसमें और फ्लेवर भी। अब हम इसे पकने के लिए छोड़ देंगे 5 मिनट, जब तक ये पानी उबाल ना आ जाए। देखो फ्रेंड्स, जो हमारा तड़का है वो अच्छे से रेडी हो चुका है, अच्छे से पक भी चुका है। आप देख सकते हैं इस तरह से इसमें अच्छे से उबाल आ चुकी है। अब हम इसे कर देंगे बंद और इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। ये देखिए दोस्तों, हमारा जो ढोकला है वो बिल्कुल अच्छे तरीके से बन के रेडी हो गया है। इसको अब हम चेक करेंगे कि ये हमारे चम्मच में चिपक रहा है या नहीं। ये देखिए, बिल्कुल भी नहीं चिपक रहा है, बिल्कुल हमारा चम्मच जो है वो क्लीन है। आपको मैं दोबारा से दिखाती हूँ, ये देखिए बिल्कुल। अब हम इसे इस तरह से अलग कर देंगे बर्तन से, ताकि जब हम इसे प्लेट पर निकालें तो ये चिपके ना। तो ये देखिए, हमने इसको बिल्कुल अच्छे तरीके से अलग कर दिया है। अब हम इसे प्लेट पर ट्रांसफ़र। देखिए दोस्तों, हमारा जो ढोकला है उसको हमने बिल्कुल अच्छे तरीके से कट कर लिया है चारों साइड से। अब मैं आपको दिखाती हूँ एक पीस निकाल के। ये देखिए कितना स्पॉन्जी बना है, आप देख सकते हैं। ये देखिए कितना स्पॉन्जी है। अब आप इसे, जो आपने तड़का तैयार किया है उसे आप बिल्कुल अच्छे तरीके से इस पर ऐड कर सकते हैं और सर्व कर सकते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, अब जो हमने तड़का तैयार किया था उसे हमने इस तरह से इसको ऐड कर देना है चारों साइड से ऐड करके। बिल्कुल अच्छे तरीके से ये जो रस है ये पूरे ढोकले में चला जाए ना, तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। एंड आई विल सजेस्ट, प्लीज़ आप इसे बनाएं और अपने घर पे ज़रूर से ज़रूर ट्राई करें। ये देखिए, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय। वी आर ट्राइंग अ लॉट टू मेक न्यू रेसिपीज़ फॉर यू एवरी डे। प्लीज़ लाइक इट, शेयर इट, सब्सक्राइब इट। बाय बाय।